कहेंगे? अगर होलिये से मामला शुरू किया जाए, होलिया ऐसा क्यों इख्तियार किया आपने? मैं लोग ऐसा कह रहे करो बोल के कर रहा हूं, लेकिन शरीयत नहीं बोल रही ना। नहीं, लोग क्या कहेंगे ऐसा करूंगा, लेकिन शरीयत नहीं बोल रही है ना, बात भी तो समझो। बड़ा अजीब मामला है। मिसाल दे रहा हूँ, मतलब किसी को खास टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ बात सिर्फ समझने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सख्त वईद की कि आपने फरमाया कि वो हिस्सा पैर का या वो हिस्सा टखने से नीचे का जिस पर ईजार तहबंद पैंट पतलून पैजामा अगर लटके वो जहन्नुम में जलने वाला है। इसलिए कि एक मोमिन को टखने से ऊंचा पहनना वाजिब जरूरी है, याद रखे, वरना जहन्नुम में जाएंगे। ये हुक्म आ गया, लेकिन क्यों नहीं अमल करते अक्सर लोग? चलो मालूमात नहीं तो एक अलग बात है, लेकिन क्यों नहीं करते अमल अक्सर लोग? लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे शर्ट बड़े भाई का पहन लिया और पैंट छोटे भाई की पहन के आ गया। लोग क्या बोलेंगे? या लोग सवाल करेंगे मैं कपड़ा कम पड़ गया था क्या? अब किस किस को जवाब दूं मैं कि ये सुन्नत है भाई? लोग क्या कहेंगे? लेकिन ये दुनिया का मामला हो तो कोई अगर एक सेलिब्रिटी या स्टार किसी पैंट को ऊंची पहन ले 3/4, तो वो 3/4 फैशन बन जाता है। लेकिन वही चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि टखने से ऊंचा पहनो और इतना ऊंचा भी पहन सकते चाहे तो जो हाफ शिन आधी मच्छी तक आए, ये भी दुरुस्त है, आधी मच्छी से लेकर टखने से ऊंचा, तो तब ये हमको नहीं जमेगा क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा करे दुनिया परस्त आदमी तो वो हमारे लिए लायक इत्तेबा हो जाता है। तो यहाँ भी लोगों का ही मसला है, लोग तारीफ करेंगे तो ऊंचा पहन रहा हूं, लोग क्या कहेंगे बोल के नीचे लटका रहा हूं। तो लिबास भी हमारा वो जो लोग क्या कहेंगे। बहुत सारी खवातीन लिबास के मामले में जो है इतना बेहया लिबास पहनती है जिसकी आस्तीनें गायब है, आस्तीनें गायब है। आजकल आस्तीन वाले ड्रेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि डिमांड ही बगैर आस्तीन का, तो आस्तीन वाले कहां से, फिर अलग से लेके लगाना पड़ता। लेकिन ये बेहाई है, लेकिन कैसे छोड़ सकते हैं? लोग क्या कहेंगे क्योंकि सब ऐसे ही करते हैं। हम अगर ऐसा करेंगे तो लोग बोलेंगे बुढ़े हो गए क्या अभी जवानी में, अभी तो शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, शादी के बाद ये सब करना, जब शादी के बाद 2-4 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद जब सफेद बाल होने चाहिए, फिर उसके बाद फला, तो वो हाथ पर कांपते भी जब तक अमल नहीं होता। क्यों? लोग क्या कहेंगे। इशू यही है ना। बहुत सारे मुसलमान नौजवान दाढ़ी नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? लोग क्या कहेंगे। मसला लोगों का है, आप क्या वजह है तो बताइए, नहीं लोग क्या कहेंगे। दादा को नहीं, अब्बा को नहीं, मैं कैसे रख सकता हूँ? अब्बा काट देंगे तो मैं सोऊंगा तो बोलेंगे अच्छा मेरे से आगे बढ़ रहा, चल बेचारी कर रहा। लोग क्या कहेंगे। मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं रखते तो मैं क्यों रखूँ? जरूरी है क्या? फुला है क्या? ये है क्या? वो है क्या? मैं तो वो सब बातें नहीं करता, मैं ये कहता हूँ जिसको मैं फॉलो करता हूँ ना, मेरे फॉलो करता हूँ, मैं जिसको आइडियल मानता हूँ, जिसको हीरो मानता हूँ, मेरा हीरो जो करे मुझे वो करना, मुझे खुशी होती बस। तो मेरी आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो दाढ़ी के साथ है तो मैं भी दाढ़ी के साथ, बता वो क्या है, फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, डिस्कशन में मैं जाता ही नहीं हूँ, उतनी डिटेलिंग की मुझे जरूरत भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। नबी ने किया मैं कर लूँ। सहाबा का मामला ऐसे ही था ना, क्या बताऊँ मैं आपको। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का वाक़िया सुनिए। हज को जा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद, कुछ ताबईन भी पीछे लग गए, कहा तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज किया था, जरा हम भी चल के देखते हैं हज कैसा किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप चलने लगे, एक जगह के मुकाम पे ऊंट को रोका, सब रुक गए, ऐसा लगा कि असर की नमाज का वक्त है, शायद यहाँ पढ़ेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उतरे, एक मुकाम पे गए तहारत के लिए बैठे, तहारत के बाद बैठने के बाद उठकर आए, जबकि तहारत की नहीं, मतलब पेशाब आया तो नहीं था, लेकिन बैठ के उठे। उसके बाद आके ऊँट पे सवार है, कहा चलो, तो कहा असर नहीं पड़ेंगे, तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ असर नहीं पड़ी थी वहाँ पड़ी थी, तो कहा तुम फिर क्यों उतरे, क्यों किया? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जो है तहारत के लिए उतरे थे, इसलिए मैं भी उतर गया, आई नहीं थी लेकिन पेशाब आया नहीं था। लेकिन फॉलो करना आइडियल ऐसी होता है ना, नमूना ऐसी होता है ना, उसवा इसी को बोलते हैं, बस देखा अमल शुरू। उसवा जैसा हमने पता नहीं किस किस को आइडियल बना लिया, उस जैसा बनना चाहते हैं ना, ये आइडियल है। तो आइडियल ने किया मुझे पेशाब नहीं भी है तो मैं तो बैठूंगा, नबी ने किया मेरे आइडियल है, आइडियल जो करता है बस फॉलोअर को पीछे लग जाना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता। एक जगह एक झाड़ था, उसकी टहनी थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जब गुजरते तो थोड़ा सा सर नीचे करना होता, कद के वजह से, हाइट की वजह से थोड़ा सा नीचे जाते। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखा गया, झाड़ तो कट गया था लेकिन जब भी वहां से जाते थोड़ा सा यूं करते, नबी वहां से गुजरते थे सर नीचे करते थे, हमें क्या परवाह झाड़ है या नहीं, सर तो हम नीचे करते हो जाएंगे, साइड चीज होती है ना, थोड़ा सा झुक जाते हैं, झुक के फिर निकल जाते हैं, झाड़ कट गया लेकिन वो करते, नबी झुके थे, मतलब फिनिश, कोई दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं। आप देखिए कैसी इत्तिबा अजीब है, कैसी इत्तिबा, कैसा तरीका है। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नबी है, मिट्टी है पूरी, जूते में नमाज पढ़े, और ये भी सुन्नत है जूते में नमाज पढ़े, नमाज की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता उतारते, अबू दाऊद की रिवायत, सारे साहब आ जाता
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت کہا میرے صحابہ تم نے کیوں اتارا؟ میں نے تو اس لیے اتارا کہ جبرائیل نماز کے وقت میرے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کے جوتے میں گندگی رہ گئی، آپ نے دیکھا نہیں اس کے ساتھ، تو میں نے اتار دیا، پھر تم نے کیوں اتارا؟ تو کہا ہم کو کیا معلوم، آپ نے اتارا بول کے ہم نے اتار دیا، ہم کو اتنا سوچنا تھوڑی ہے کہ کیوں آپ نے اتارا کیا ہوں گا، آپ نے اتارا تو ہم نے اتارا، فنش، کوئی کوشچن ہی نہیں اس پر. اب ہمارا لباس اور لیا یہ لوگ کیا کہیں گے اس پہ ڈیفائن ہوتا. ابھی دیکھو لوگ یہ پہن رہے، تم اتنا پرانا پہن کے آ گئے، لیٹسٹ تو یہ ہے نا، اب یہ عید کا یہ ہے، یہ عید پر یہ آنے والا تو اس نے وہ پہنا گیا، تو اب یہ عید کا لیٹسٹ تو یہ ہے، آپ اتنا پرانا پہن کے آ گئے. اب وہ لوگ بول رہے بول کے میرے کو چینج کرنا ہے. نوجوان ضد کر رہے والدین سے اس لیے کہ لوگ بول رہے ہیں ایسا ہے. لڑکیاں ضد کر رہے اپنے والدین سے کہ لوگ بول رہے ہیں ایسا ہے. لوگ کیا لوگ بولیں گے، اتنے پرانے زمانے کا پچھلے سال کا پہن کے آ گئے، لیٹسٹ چھوڑ دیے، ارے غریب دکھ رہے تھے، لوگ کیا کہیں گے. بولیے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.